तो सर मुझे बताइए कि आपको मल्हार हेल्थ फेयर के बारे में क्या लगता है? एक अलग ही कॉन्सेप्ट के साथ आपने जो हेल्थ फेयर किया है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही इनोवेटिव है। जलगांव जिले में स्पेशली जो जो अलग अलग सेवाएं देते हैं लोगों के लिए, चाहे वो जानवरों को हो, चाहे लोगों को हो, चाहे बीमार आदमियों को हो, इट वॉज सच एन इनोवेटिव फंक्शन कि सब लोगों को जो जो सेवा देते हैं उनको सब इकट्ठा लाया गया, जो भी, ताकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये देखने के बाद कि शायद मुझ में अभी भी बहुत कुछ कमी आए ताकि मैं भी इसमें कुछ हिस्सा ले सकूँ। आई कैन रियली टेल यू दैट इट वॉज एन वंडरफुल इवेंट। आई थिंक इट वॉज नेसेसरी एट दिस पॉइंट कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि मैं जलगांव में इतने सालों से रह रही हूँ, देयर आर सो मेनी अदर पीपल आर लिविंग हियर सिंस सो लॉन्ग, बट उनको पता भी नहीं है कि इतने सारे एनजीओस काम करते हैं साइमल्टेनियसली। हमें एक दो एनजीओस के बारे में पता होता है एंड दैट्स इट, लेकिन देयर आर सो मेनी एनजीओस, जैसे कि एक है जो स्ट्रीट डॉग्स के लिए करता है, एक है जो स्ट्रीट जो बच्चे बस ऐसे लावारिस घूम रहे उनके लिए काम करता है। वी डिडंट नो, तो आई थिंक दिस वॉज वेरी गुड स्टार्ट। तो मुझे बताइए कि अगर हमें मल्हार हेल्थ फेयर को बड़ा बनाना है और बेटर करना है और इसका और भी लोग फायदा ले सके, तो आपको क्या लगता है, क्या और क्या करना चाहिए हमें? इसमें दो बातें होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। एक तो इसका पब्लिसिटी, अभी आप सब मीडिया के माध्यम के आप है, चंद्रशेखर जी है, तो इसमें ज़्यादा पब्लिसिटी हो, एक है। दूसरा, इतना इनोवेटिव संकल्प या इतना इनोवेटिव प्रकल्प, क्योंकि एनजीओ तो हर एनजीओ अपने अपना उद्देश्य के लिए काम तो करती है, और सभी एनजीओज की खासियत उनकी ब्यूटी एक प्लेटफॉर्म पे लाके सबको दिखाना, इट वाज रियली वंडरफुल। तो इसका पब्लिसिटी आपको करना एक अच्छा रहेगा। दूसरा, जलगांव जिले के बाहर के जो भी अगर कोई एनजीओ है, जैसे चाहे वो डॉक्टर अभय बंग की हो, चाहे वो डॉक्टर प्रकाश आमटे जी की हो, ऐसे कोई जो जाने माने ऐसे कुछ एनजीओज है, उनके कुछ अगर अगले साल से अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आई थिंक दैट विल बी अगेन दैट विल ऐड टू द ब्यूटी ऑफ द प्रोग्राम। आप बोलना चाह रहे कि और नेटवर्किंग बढ़ानी चाहिए, मतलब सिर्फ जलगांव के नहीं बल्कि और भी लोग? हाँ बिल्कुल, एकदम ही सही बोला आपने। लेकिन यहाँ पर जो लोग थे दे वर नॉट ओनली फ्रॉम जलगांव, लेकिन मैंने सुना कि बीड से लोग आए थे, जालना से लोग आए थे, तो लोग आए थे लेकिन और भी अगर बड़ा होता तो और भी जगह से लोग आते। तो दीप्ति मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि थोड़ा आप मुझसे दूर हो लेकिन मैं आपको माइक ऐसा दे सकती हूँ तो दीप्ति मैम मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि जो ये एग्जीबिशन मुझे देखने मिला, क्योंकि मैं आज ये अभी आई हूँ तो, क्योंकि मैं जाते जाते मैंने देखा इधर, तो मुझे बहुत अच्छा और देखने के चाहत लगी थी मुझे, तो लकीली आई केम विद माय हस्बैंड, सो इट्स रियली स्काई इज द लिमिट रियली, क्योंकि ये जो जानवरों के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, तो देखने के बाद मुझे भी लगा कि हम लोग भी बहुत पीछे है अभी, कुछ तो करना चाहिए बस। और ये जो बचत गट का काम कर रहे हैं परदेशी मुस्लिम परदेशी, तो उनका पूरा महाराष्ट्र में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वो भी जलगांव से है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इट्स वेरी नाइस, थैंक यू मैम।